मरद का बच्चा ने किस तरह तुम हमारा पाटा को जरा आंखें उठा के देखो सब कुर्बानी बेबानी दी पाकिस्तान का जरूरतों का हमें नहीं पता था अच्छा हमारा ऊपर डॉलर लेते डॉलर लेते फिर भी हमारी जनता मिलेगा नहीं है ये पटानों के नाम पे एक, एक दहशतगर बैठा हुआ है पटान इतना बेवकूफ ने जिस तरह बात करेगा अपना माओ बहन के खिलाफ अपना माँ के, अपना मा के लिए इमरान खान को अपना बहन के लिए शतवानजीम बिसमिलहमान वही मेरा नाम कादर खान बाजौल के साथ ताल्लुक रखता हूँ बाजौल में फिर चार के साथ ताल्लुक रखता हूँ और सबसे पहला तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँ चाहे आप इतना दूर से हमारे पास चल के आया और हमारा आवाज़ पहुँचाने के लिए तो आपने पिंडी के बाद किया जी कब से 20-25 साल हमारा हो गया इधर पिडी में तो कोई जगह नहीं छोड़ा सिर्फ पेशावर लाओ, पे से इलावा हुआ इस कलाची इला और फैसला हर जगह पर इफ्टाबाद मानसरा हर जगह पे लेकिन कामयाबी अल्लाह काम अभी तबाद में दिया 20 साल हमारा इस्लाम में हो गया तो उसका वजह ये है कि कारोबार पे डिपेंड कर रहे हैं बाढ़ वाला खास बाढ़ वाला लोग जो है ना ताजर जो है वो बड़ा लेवल पर कारोबार कर रहे हैं और कारोबार को समझता है और बाकी जो सिस्टम है बाकी जो शुभ आपने बोला है तो उस वजह से पिछड़े गए कारोबार उस लेवल पे वो लोग लो नहीं चला पा जिस लेवल पे चलना चाहिए था ना तो दूसरा बाजाड़ वाला लोग लो मुखलिस भी है उपाधार भी है और अपना काम से काम लगन रखते हैं आगे बढ़ने का कोशिश करें कर, किसी काम में मुदाखिलत और इस तरह काम नहीं तो इस वजह से अल्लाह ताला उस और दूसरा बहुत गरीब के साथ मदद करने वाला हो एक बंदा मेरा पास आया कहता खान साहब बताओ आपका ये बाज आप किधर से मैंने बोला मैं बाजाओ से हूँ कहता है इसका क्या, क्या वजह बाढ़ वाला लोग इतना क्या वजह है मैंने बोला क्या बताऊँ सर कहते हैं बाजावाड़ वाला बहुत प्यार करने वाला लोग है ना? ना तो इसी तरह बाजावाड़ वाले का अपना एक नाम है किरदार है अलहमदुल्ला तीस पैंतीस साल से इधर बाजावाड़ वाला पिंड इस्लामाबाद में रहता अभी तक तुमने कोई ऐसा नहीं सुना होगा कि बावाड़ वाले ने कोई ऐसा गलत काम किया हुआ तो अल्लाह ताली एक मुकाम देते सारा लोगों को मुखलिस लोग है ईमानदार लोग हैं जी सियासत में आप पीटीए के साथ कब से मुंसलिक है सियासत में पीटीए के साथ तो बचपन से था लेकिन पंद्रह साल हो गए जब से हमने वोट संभाले तो पीटीए के साथ हैं। हम हक और सच के साथ हैं। हम पंजाब की तरफ चलते हैं बाकी जो कुछ हुआ है वैसे हुआ है जी जी पंजाब की सियासत को किस नजर से देखते हैं नो पंजाब अभी परवेज़ इलाही जो है ना इस टाइम मगर डबल गेम खेल रहे हैं ना लेकिन ये इसके ऐसा नहीं चलेगा मैं मुख का मशवरा परवेज लाही को दे रहा हूँ अगर आपने पीठे को छोड़ देना तो आप तब्बाह और जाओ हो जाएगी इस दुनिया में भी और खिरत में भी तब्बाह और बाग हो जाओ इधर तुम्हारा तो जो है ना बैठने का जगह आपको नहीं मिलेगा और इमरान खान के साथ जुड़े रहना जो, जो मर्जी हो जाए जिस तरह तुम्हारा तो वो डबल गेम आप कर रहे हो लेकिन उससे बाहर आ जाओ एक जैसा शेख रशीद ने बो रहे चट्टान की तरह कड़ो इसी तरह पावर बनो माना तुम कभी ऐसा काम आप करते हो चाहे हमारा पीठे वाला बड़ा कभी दुख पहुँचते परवेज इलाई अल्लाह तला ने तुम्हें कितनी इज्जत दे दिया तुम्हारे बेटे को तुम्हें कितना रसुआ हो गया तुम्हारे घर का बंद कितना अल्लाह ने जलील कर दिया अगर तुम इस तरह रखा करोगे तो तुम और बर्बाद हो जाओगे आप अगर अभी भी इस चीज को नहीं देखते जावेद अशमी को क्या हो गया गुलाल ही सब गुलाल गुलाल ही बन गए जो लोटे बन गए अभी उसका नामो निशान अपना घर में भी, भी कोई नहीं छोड़ते तो खुदा के लिए इस मेरे वीडियो को परवीजिल ही तक पहुंचाओ जी बिल्कुल आपने पिटाई को नहीं छोड़ने पर जोड़ा रहना पिटाई के साथ अगर पिटाई आपको निकाल भी देते कुछ भी करते मार था फिर भी जो है ना इमरान खान को नहीं छोड़ना इमरान खान इस ये सब लोगों को जो लो गन देना इसको निकालना है लेकिन आपने गन अपना जो ना मियार है ना मीयार बयान बनाना है खानदान का मीर बयान है अभी परवेज लाही तुम्हारा तारीख का काटे है तारीख बनाने का काठे है अगर इधर तुमने दो नंबर ही किया ना तो खुदा की कसम उठा के कहता हो ना कि तुम इतना बदनाम हो जाओगे कि तुम्हारा बीबी भी, भी तुम्हारे से नफरत कर गए पिटे वाले लोग मैं को पूरा पाकिस्तान आपसे नफरत करेगा ये मुखब का मशुरा पर को दे रहा बात करते हो बोलो मुझे बीस पच्चीस या पैंतीस सीट का जो डिमांड कर रहे इसको कुछ डरे इसको पंजाब में उसको तो यही डर है ना इमरान खान ने आना ही आना है उसको तो ये पता है लेकिन मैं पैंतीस सीटों का अगर अगर पैंतीस बात ना करता तो खुदा की कस्म के तरह होता। अभी खान भी इसको चेक करते। चेक किस तरह पे है? अभी अंदाजा हो रहा है नाजवा के खिलाफ क्यों बोला मैं तुम्हारा साथ बैठा हूँ उधर एक घंटा तुमने जब जमान पार्क में मीटिंग कर रहा था उस टाइम नहीं बोल रहा था जब एक घंटा तुम उसके साथ बैठा हुआ था उस टाइम कुछ नहीं था जब तुम घर आ गया तो तुम जो पिटे उसके बाजवा के खिलाफ बोलेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा मारा लाना था तुम्हारा क्या बताऊँ छोड़ दो बस जी ये किस तरफ जाएगा अभी जो ना ये नून लीग के साथ रहेगा खान साहब के साथ रहेगा या कुछ अभी भी आपको शक है कि नहीं नहीं ये खान साहब के साथ जो ना अभी भी डबल गेम खेल रहे नहीं, वो वो अपने बनाने के लिए जगह बना रहे, अपने के लिए बना रहे जो खान साहब कुछ ऑफर करे मुझे बीस कर ले पच्चीस कर ले ये पैंतीस मांग लें लेकिन बीस भी खान साहब ने दे दिया ना तो ये चलांगे मारेंगे इसका हक बनता है दस सीटों का बारह का ऊपर मैं इमरान खान को ही बता रहा हूँ चुप एक सीट भी नहीं देना है इसी तरह कुल नहीं छोड़ दो भाई तुम्हारी मर्जी है इसम्बली तैली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं नून लिख के साथ जाने चले जाओ इसका सारा जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाएगा इमरान खान को पता है इस बात का आ, उसने कोला डील दिया भाई जी उसको गन को निकाल ले ये जितना भी गन है ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक लोटा जो कलाची में निकला वो तो निकल गया अभी इसका भी पता चल जाएगा वाम को पाकिस्तानी वाम को ये भी तरह उसी तरह बदनाम हो जाएगा जिस तरह ये बाईस लोटे और जो गन मानता ये हमने बहुत ज्यादा तकलीफ उठाए खैर खास अगर हम खैबर पुख्तनख्वा की बात करें जो दहशत गर्दी थी जिसको जिस नाम से आप कहा जाए लेकिन हमने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया बहुत कुछ जो ना हमने अपने मुल्क के लिए हमने कहा चलो खैर अगर हमारे बच्चे जा रहे हमारे खातिन जा रहे हैं अब पुश्तून को दोबारा क्यों इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि हम

सब बेगैरत गैर था के चक्कर में था डॉलर को सीने लिया ना इस बेचारों का गुना नहीं है और हमारा कुर्बानी का बात आपने जो किया हमारा कुर्बानी रंगा नहीं जाएगा इन शाला अभी पंजाब की तरफ चीज़ आ गया और हमारा सदाकत सजाकत्तोब अभी इधर जो है ना ये लोगों को उठा था ये चीज़ें हमने बर्दाश्त कर लिया हमने एक एक दिन में छः छः लाशें भी उठा के देख लिया पाकिस्तान के खातर हमें डबल गेम का नहीं पता था छे तुम्हारे ऊपर डेढ़ डालर लगा हमने तो इस वजह से कुर्बानी दिया था छह पाकिस्तान का जरूरत होगा हमें नहीं पता था हमारे ऊपर डालर लेता लेते, है, डालर लेते है, फिर भी हमें जनत मिलेगा इन लोगों को जितना भी वाले लोगों ने कुर्बानी इसका सलम मिलेगा मैं बता रहा हूँ ना कोई नहीं जनत मिल गया तुम्हें कोई मोर मारेगा ना तो हमें और लानत इस जिंदगी से से हमने जाने, इस से हमने जाने जाने दुनिया कोई पहले कोई बाद में साठ साल पचास साल जिंदगी गुजरे कोई अब कोई और मारेगा जनत है और अपना मोह से मारेगा पता ही जनत मिलेगा या नहीं मिलेगा तो कोई परेशानी वाला बात नहीं है मौलाना साहब हुआ करता था एक नाम था मौलाना मोलाना साहब जी वो कहते थे कि ये जो है ना यहूदी के नाम से, नाम से पुकारते थे। अब जब खुदा की कस्म में बोलता हूँ ये किस तरह मुला है हम बैर मोलाना हम खुदा के इतना खोफ है इतना है मेरा ख्याल है पचास रुपया पकड़ी लेके उस दाढ़ी लगाए हुए नक अमरीकी का झुंड बैठा हुआ है जिसने उस दिन कभी दुख नहीं पहुँचा था खुदा की कसम उठा के कहता तो मैंने बोला मुलाय कोई बात नहीं हमारा बड़ा पठान है जाने दो लेकिन उस दिन जो इसने बोला था ना चाहिए पीठे वाला कारकुन अगर इमरान खान कहते थे अपना माँ के पास भी लेके जाएगा हम नहीं बता सकते ये लेडीज अगर ये जो लड़की है ना ये इमरान खान का कुरा रूम लेके जाते डूब के मरना चाहिए पूरा पठानों का नाम तुमने बदनाम करके रख दिया मैंने उसमें उड़ी बनाया था भाई ये पठान नहीं है ये पठानों के नाम पे एक, एक दहशतगर बैठा हुआ है पठान इतना बेवकूफ ने जिस तरह बात करेगा अपना माओ बहन के खिलाफ अपना के लिए इमरान खान को अपना बहन के लिए लान बेचता हूँ इसी का बात भी ना करो मुझे इतना तब हो इस बात पे पहला कुछ भी नहीं दरस गुरुस करता था लेकिन इस बात पे बड़ा नफरत हुए पंजाबी लोग बोलेगा पठान बड़ा इतना बेवकूफ है तो छोटे बच्चों का क्या हाल होगा खुदा की कसम इस बात पे बड़ा दुख पहुंचा मैंने इस पे वीडियो भी बनाया क्या करो इतना बड़ा हमारा सत्तर साल का सफेद दाढ़ी मुला जो सारा जिंदगी जंगल में वो भी इस तरह बात नहीं करेगा मैं पाकिस्तानी बेटो माओ से माफी मांगता हूँ मैं माफी मांगता हूं उसमें वो मुला नहीं है उसको तुम लोगों ने सही तरीके से पहचान लिया और वो भी क्या इससे हम अच्छा बात क्या उम्मीद रख सकते हैं फजल रहमान से उसी से हम ये उम्मीद रख सकते है ना उसी से गिला मिला ना करो वो है دغه خور به 14 د دپا کړو. څه <s> پیغام دینا چاغیږه موږ کو څه پیغام دینا چاغیږه جی جی مې سب جتنا به مجه سننه وال او جتنا به امرا پاکستانیه کړهونه ایماندار باندې کې سات دنیا به بنهغه او اخرت به بنهغه ایدر به ژوندۍ څخه گزر غلامي نه یوګا او تر میرا رشتہ کې لا اله الا محمد رسول الله سب سے بڑا لیڈر आप सल्लाम हमारे इमरान खान दादा का दराजा हम इमरान खान ने दिया बाप का दराजा हम इमरान खान ने दिया बड़ों का दराजा इमरान खान ने दिया चाहे हिम्मत हारना नहीं है जब वो बात हम कारोबार में याद करते है तो हमने हम कहते हैं चाहा हमारा बड़ा कहता है नहीं है तो फिर हम वो भी बढ़ जाता है उसका क्या क्या बात है आपको बताऊँ खुदा की कसम और उसका बात अगर आपको शुरू कर दो तो दस दिन वीडियो भी लग जाएगा जी तो मैं सब लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ बस कड़ा होना इमरान खान के साथ दुनिया भी बनेगा और आखिरत भी बनेगा और हक और सच ईमानदार लीडर यही है इसको गवाना नहीं है इसके साथ कड़ा होने मर्द के तरह वसलाम वसलाम